बड़ा मस्त गाना, नहीं बढ़िया ये गाना क्यों है, कब तक चलेगा ऐसा गाना बजाना? तो कैसे हैं आप लोग यार? आज इसे कॉपी रहने देते हैं, ऐसे ही मैं उतना अच्छा करता नहीं हूं। मेरा नाम है अंकित कुमार, आप देख रहे हैं एके हैक्स यूट्यूब चैनल को। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बात मैं जरूर बोल देना चाहूंगा, और हो सके तो मैं वीडियो के डिस्क्लेमर में भी डाल दूंगा इसे, कि मैं हमेशा से यूट्यूब के सपोर्ट में ही हूं। मैं कभी टिकटॉक को सपोर्ट नहीं करता था, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने अपने फोन में आज तक कभी टिकटॉक नहीं डाउनलोड किया है। और जहां तक टिकटॉक रिपोर्ट करने की बात है, उसकी रेटिंग गिराने की बात है, तो उसमें मेरा एक भरपूर हाथ था। बट गाइज यहां पे जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का, उसमें मैं या फिर मेरे जैसे बहुत सारे से लाखों लोग कैरी मिनाटी के साथ खड़े थे। बट यार यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक था, कैरी मिनाटी वर्सेस टिकटॉक नहीं। तो हम लोग या फिर जितने सारे लोग भी मेरे जैसे हैं, वो लोग कैरी मिनाटी के साथ इसीलिए खड़े थे क्योंकि वो यूट्यूब के सपोर्ट में खड़ा था। बट आज कैरी मिनाटी यलगार गाना निकाल करके यूट्यूब के अगेंस्ट में ही खड़ा हो गया। यार आज मैं बस कैरी मिनाटी से ये पूछना चाहूंगा कि तेरी आज क्या ऐसी औकात हो गई जो यूट्यूब के सामने खड़ा हो गया है, यूट्यूब के अगेंस्ट में खड़ा हो गया है? भाई किस बल पे, किस दम पे तू आज यूट्यूब को ही ब्लेम करने चला है? बस इसी रीजन से कि तेरे पीछे ये करोड़ों लोग खड़े हैं, या फिर तुझे इतने सारे सिंपति कॉल इतने बड़े बड़े यूट्यूबर से आ रहा है? भाई मुझे बस ये बता कि तेरे पीछे इतने सारे जो लोग खड़े हैं, वो तेरे पास आए कहां से? भाई तेरे ही यूट्यूब से आए हैं, तेरे ही यूट्यूब से। आज जितने भी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट जितने भी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, चाहे उन्हें एवेंजर्स के प्रीमियर पे कॉल आता है डायरेक्ट, या फिर वो अपने फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पर जा पा रहे हैं, या फिर अपने पूरे फैमिली का बर्डन अपने कंधों पर उठा पा रहे हैं, भाई किस बल पे? यूट्यूब के बल पे। भाई मैं एक बात बताता हूं, तू जिस बल पे उड़ रहा है ना, तेरे पीछे इतने सारे करोड़ों लोग खड़े हैं, तू यही बोलता है ना? भाई तू एक बात जान ले, इसमें से मैं बता रहा हूं कि इसमें से आधे से ज्यादा लोग तेरा असली नाम भी नहीं जानते होंगे। वो बस ये जानते हैं कि तू एक यूट्यूबर है जो रोस्ट करता है। कैरी मिनाटी एक यूट्यूबर है जो रोस्ट करता है। भाई तेरा अस्तित्व क्या है यूट्यूब के बिना? मुझे पता है तेरा वीडियो यूट्यूब ने तेरे चैनल से हटा दिया, और मुझे सुनने में भी आया कि तुझे उसका रिवेन्यू नहीं मिला। मैं जानता हूं तेरे पास इतना ज्यादा उस वीडियो में व्यू आया था कि तेरा इतना रिवेन्यू उससे बनता कि तू बैठ करके पैसे छाप सकता था। बट यार ये बात भी तो जानता है तू कि इस पर्टिकुलर एक वीडियो से तेरे पास 2 लाख नए व्यूअर्स या नए सब्सक्राइबर्स आ गए हैं। तो भाई ये जो 2 लाख नए फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स तेरे साथ है ना, ये आने वाले बहुत सारे वीडियोस में तुझे इसका डबल से ट्रिपल पैसा छाप के देंगे। तो भाई आगे जा करके तू इस वीडियो का इंसिडेंट को तू खराब नहीं समझेगा, तू अपने लिए इसे प्लस पॉइंट ही समझेगा। आगे गाइस मैं यलगार गाने से बस 2-3 लाइंस निकाल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तू क्या पता मेरे करी कितनी मेहनत सारी। सिंपली कैरी मिनाटी का कहना है कि वो इतना ज्यादा मेहनत करता है, बट फिर भी यूट्यूब ने उसे सपोर्ट नहीं किया। भाई मैं तुझे ये बताता हूँ कि मैं यहाँ एक साल बैठ करके कोई चने नहीं चबा रहा हूँ, या फिर मेरे जैसे इतने सारे छोटे यूट्यूबर्स जो हैं वो यहाँ बैठ करके मटर नहीं छील रहे हैं, वो भी अपना 100% देते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, उल्टा तुझे ही कम मेहनत करनी पड़ती है अब, क्योंकि तुझे एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि तू अगर आज कुछ भी कंटेंट बनाए ना, कोई भी आलतू फालतू कंटेंट बनाए, तो उसमें अगर लाख लोग तुझे अनसपोर्ट करेंगे ना, तो करोड़ लोग तुझे तेरे वीडियो पे लाइक ठोक करके जाएंगे। भाई मेहनत और एफर्ट तो हमें करने पड़ते हैं, हम जैसे छोटे यूट्यूबर जिसके 100-200 सब्सक्राइबर्स है, जो 100-200 सब्सक्राइबर्स लूज नहीं करना चाहता, और बाकी और 2-4 सब्सक्राइबर्स अपने साथ जोड़ने के लिए अपना 100% अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो पे देता है। कैरी का आगे कहना है कि वो अपने में ही एक स्कूल है। तो भाई जान ले कि यूट्यूब जो है ना, वो एक अथॉरिटी है जो तेरे स्कूल को फंड देती है। ठीक है, अगर तू बस एक इंसिडेंट को लेकर के इतना बवाल मचा रहा ना, वो भी केवल बस 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए, तो भाई दुनिया देख, बाहर निकल, तेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर्स लेकर के लोग यहाँ बैठे हैं, और उनके साथ क्या क्या नहीं इंसिडेंट हो गया। तो क्या वो बैठ करके रो रहे हैं? नहीं भाई, वो आगे निकल के अपने करियर को देख रहे हैं। जिस बल पे बोल रहा है ना, तेरे पीछे इतने करोड़ों लोग का सपोर्ट जो बोल रहा है, भाई ये व्यूअर्स है, ये मसाले की तरफ जाते हैं। आज इन्हें टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे मसाला दिख रहा है, तू यूट्यूब को सपोर्ट कर रहा है, डिस सपोर्ट कर रहा है, इसलिए तुम मसालेदार दिख रहे हो, इसलिए आज इतनी सारी भीड़ तेरे साथ खड़ी है। भाई कल तुझे रिपोर्ट करने में अगर मसाला मिलने लगेगा ना, तो ये पब्लिक, ये व्यूअर्स पीछे नहीं हटेगी, तुझे रिपोर्ट भी कर देगी। तो भाई तू एक छोटे से कॉन्ट्रोवर्सी के पीछे पड़ा ना,
वहीं दब के रह जाएगा। भाई मेरा इस वीडियो का लाने का मतलब ये नहीं था कि मैं टोटली कैरी मिनाटी को अनसपोर्ट करूं या फिर कैरी मिनाटी को डीमोरलाइज करूं। कैरी मिनाटी एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है, बहुत अच्छा रोस्ट करता है, मैं मानता हूं। बट मेरा कहना बस ये है कैरी मिनाटी से कि भाई ये छोटे मोटे कंटेंट्स को लेकर के, कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर के मत पीछे पड़, आगे निकल। तेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, तेरे पास एक स्टेज है, तू आगे निकल। आगे बहुत नया चीज है, आगे बहुत कुछ बचा है। तू अगर ये छोटे मोटे चीज को लेकर के पीछे पड़ा रहेगा ना, तो तेरा कल्याण यहीं पे निकल जाएगा। आगे गाइस, मेरे इस वीडियो को देख करके ये मत समझ लेना कि मैं कैरी मिनाटी को टोटली अनसपोर्ट कर रहा हूं। तो कोई छमिया ऐसे टिकटॉक से निकल के मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के नाच गाना मत करने लगना। मैं आज भी टिकटॉक को उतना ही हेट करता हूं। मेरे लिए यूट्यूब ही सब कुछ है। टोटल सपोर्ट मेरा आज और कल यूट्यूब को ही रहेगा। लास्टली गाइस, मैं कंपाइल करते हुए बस ये कहना चाहूंगा कि आज मैंने जो कुछ भी कहा, अच्छा बुरा गलत सही, किसी को खराब लगा किसी को अच्छा लगा, गाइस ये टोटली मेरा पर्सनल ओपिनियन था। मैं अपना ओपिनियन किसी पर्टिकुलर बंदे पर थोप नहीं रहा हूँ, किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि केवल मैं ही सही हूँ। लेकिन हाँ, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जिनको ये ओपिनियन सपोर्टिव लगता होगा, उनका भी यही पर्टिकुलर ओपिनियन है। तो गाइस जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में, जिनका भी ये पर्टिकुलर ओपिनियन है जो मेरे साथ है, वो नीचे सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो। और गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो, जिससे उस पर्टिकुलर स्टेज तक ये वीडियो पहुंच जाए जहां कैरी मिनाटी के कम से कम कान पर ये सुनने तो मिले कि भाई तुझे अब इस फालतू कंट्रोवर्सीज पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपना काम कर दिया, मैं अपना ओपिनियन यहाँ सामने लेके आ गया। बहुत समय से मैं इस कंट्रोवर्सीज को बस ऑब्जर्व कर रहा था, कुछ बोलने का मन कर रहा था बट कुछ चीजों से भाग रहा था मैं, इसीलिए नहीं ला पा रहा था वीडियो। आज यहाँ पे वीडियो ला करके बोल दे रहा हूँ। सिंपली आप लोगों के पे डिपेंड करता है, आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो। अगर अच्छा लगा तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी तो ठीक है।